सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सीवान सिसवन मुख्य मार्ग पर 4 अप्रैल की देर रात निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर हुए हमला मामले में एसआईटी की टीम ने महुअल निवासी तबरेज आलम को सोमवार की रात गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के कोइनी गांव से गिरफ्तार कर लिया। तबरेज इस घटना में लाइनर की भूमिका में और घटना में प्रयुक्त गाड़ी का चालक भी था। पूछताछ के दौरान तबरेज ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए बताया है कि रईस खान के बढ़ते वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के दिन रईस खान के काफिला पर गोलू सिंह बाबा, दीपक प्रसाद और साबिर मियां ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। वहीं इस मामले में तबरेज ने पुलिस के समक्ष दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब का नाम नहीं लिया है। तबरेज ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए बड़हरिया प्रखंड प्रमुख के घर पर पहली बैठक हुई थी, जहां वह फैसल उर्फ तेजी के साथ पहुंचा था। इसके बाद चाँप गांव में आफ्ताब के घर बैठक हुई और तय रणनीति के तहत 4 अप्रैल को रईस खान के काफिले पर हमला किया गया। पुलिस ने उसके बयान को दर्ज करने के बाद मंगलवार को उसे जेल भेज दिया। पूछताछ के दौरान पुलिस के समक्ष तबरेज ने बताया कि वह 2007 से अरब में काम करता था। कोविड के कारण वह घर वापस आ गया। इस दौरान वह आसिफ रजा से रुपये लेता था। आसिफ रजा की नज़दीकी चाँप के आफ्ताब आलम से थी। आसिफ ने ही आफ्ताब आलम से जान पहचान कराई। इसके बाद वह इन सभी के संपर्क में आया। तबरेज ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि गोलू सिंह बाबा, दीपक प्रसाद, आफ्ताब और साबिर मियां रईस खान के बढ़ते वर्चस्व को लेकर नाराज थे। रईस खान का कद छोटा करने के लिए इन्होंने रणनीति बनाई और सभी ने महुअल में घटना को अंजाम दिया। तबरेज ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि आसिफ राजा ने आफ्ताब के साथ मिलकर हुसैनगंज के गोपालपुर में एक जमीन का एग्रीमेंट कराया। गोपालपुर में आसिफ और तबरेज ने काम शुरू किया, तभी कुतुब छपरा निवासी इरशाद इनके पास पहुँचा और तबरेज की बात उसने रईस खान से कराई। रईस खान ने जमीन के कागजात के साथ उसे ग्यासपुर बुलाया। वहां जाने पर बोला गया कि जो भी मुनाफा होगा उसका आधा देना होगा। इसके बाद जमीन की बिक्री में 12 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इसमें तबरेज ने रईस खान के भगीना दानिश को 1 लाख एवं रईस को 5 लाख